संसद का कार्यकाल तो मतलब जिसको बोलते हैं ना अद्वितीय, जिसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। मतलब हम जिस कार्य को करने की सोचते हैं ना, उससे पहले तो इनके दिमाग में होता है कि हमने ये कार्य इस एरिया का करवाना है। विभिन्न जिस तरह सीवर का है, अनअप्रूव्ड एरिया जो होली ग्राउंड का शो हो रहे हैं उसमें सीवर का, लाइट का, पानी का, बिजली का, मतलब पूरा कंप्लीट करवा रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार की 18 वर्षों से भी अधिक पुरानी समस्या का समाधान होने पर वार्ड के गणमान्य लोगों ने पार्षद कार्यालय पर पहुंचकर धन्यवाद किया। मामला होली ग्राउंड का था। लक्ष्मण विहार का यह क्षेत्र काफी समय से अनअप्रूव्ड एरिया के तौर पर प्रशासन द्वारा चिन्हित कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों को लोन लेने जैसी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके समाधान के लिए यहाँ के पूर्व पार्षद मंगतराम बागड़ी काफी लंबे समय से प्रयासरत थे। और अब इस बड़ी समस्या का समाधान होते ही यहाँ के निवासियों ने पार्षद कार्यालय पर पहुंचकर पुष्प गुच्छ देकर मंगतराम बागड़ी का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद के कार्यकाल को भी सराहा एवं मंगतराम बागड़ी के जनसेवा के कार्यों को अद्वितीय बताया। देखिए, मुद्दा तो ये था कि यहाँ पर कुछ ज़मीनें ऐसी रह गई हैं, कुछ पैच थे छोटे से कि जो अनअप्रूव्ड दिखा रहा था नगर निगम में। उसकी सरकार की पॉलिसी आई तो हमने सबने मिलके, इन्होंने मिलके और उस पर काम किया। काम करने के बाद में अब वो फाइल जमा कराई है निगम में, वहाँ से मंजूरी हमको मिल चुकी है ज़मीन को अप्रूव्ड होने की। तो वही मुद्दा था, ये सब लोग अब धन्यवाद करने के लिए आए हैं और जो कार्य वगैरह हुए हैं उनके लिए भी बताना चाहते हैं ये कि भाई आपने कार्य जो किए हैं उसके लिए सब लोग धन्यवाद करने आए हैं। मेरा नाम मनोज मोहंती है, मैं लक्ष्मण विहार में रहता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जब हमें यहाँ पे कम से कम 11-12 साल हो गया है, बट जो हम अभी बात कर रहे हैं कि पार्षद जी है, ये हमारे लिए पार्षद जी नहीं है, ये हमारा घर की सदस्य है, जैसे परिवार की मुखिया होते हैं ये ऐसे हैं। क्योंकि इसलिए है, जैसे हम परिवार में बात करते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए, लोग पार्षद के पास जाते हैं कि हाँ जी पार्षद जी हमारे लिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारे पास ये आते हैं कि आपकी एरिया में क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपके क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमारे पास आते हैं, हम इनके पास नहीं आते हैं, क्योंकि ये हमारा परिवार की सदस्य है। कि हमारा जो ये एक छोटा सा प्याज था, हम होली ग्राउंड के नाम पर ज़्यादातर जानते हैं, होली ग्राउंड पर एक छोटा सा प्याज अनअप्रूव्ड रह गया था, तो इसके लिए हम लोग की दिल में ये था कि सारे हम बाहर से आके बैठे हुए हैं, तो इस पर लोग थे कि हम यहाँ पे पैसा खर्चा किए, ये किए वो किए, लेकिन अभी ये अनअप्रूव्ड है। लेकिन इन्होंने हमारा साथ दिए, इन्होंने हमारा घर घर पे जाके बात किए और हमें इकट्ठा करके फिर हमारा लिए जो जो स्कोप चाहिए ऑफिस में जाके, जैसे अभी अंकल जी बात कर रहे थे, ऑफिस में साथ में जाके हमारा से कैसे ये जल्दी से जल्दी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व शॉर्ट आउट होगा, इसके ऊपर जाके बात किए। तो इसलिए अभी ये सारा मेरा ख्याल से 90% काम कवर हो चुका है, अभी 10% रह रहा है, वो भी जल्द से जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए हम सारे मतलब लक्ष्मण विहार होली ग्राउंड के निवासी जो है वो इनको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर राम निवास, रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर हूँ मैं। होली ग्राउंड लक्ष्मण विहार फेज 2 के हम निवासी हैं सभी, और हमारी पार्षद जी से एक मांग थी कि भाई हमारा एरिया लक्ष्मण विहार होली ग्राउंड एरिया लक्ष्मण विहार का अनअप्रूव्ड एरिया में शो हो रहा है, ULV की साइट पे अनअप्रूव्ड दिखाया जा रहा है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, इतना बड़ी भागदौड़ करी, आर्किटेक्ट को बुलाया, हमारे इसका एरिया का नक्शा बनवाया, फाइल तैयार करवाई और खुद जाके हमारे साथ जाके इन्होंने फाइल सबमिट कर दी। ऊपर से गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन हैं, जो इस तरह के पैस जो छूटे हुए हैं अप्रूव्ड एरिया के बीच में उनको अप्रूव्ड किया जाए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और हम इनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि भाई पार्षद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी एक प्रॉब्लम ये कम से कम 18 साल से थी। 2004 में लक्ष्मण विहार को अप्रूव किया गया था और 22 तक 18 साल तक हमारा वो अनअप्रूव दिख रहा छोटा सा पैच होली ग्राउंड एरिया। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।